और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ऑडियो वायरल हुआ है, वहाँ पे जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें खुद एसएससी के अधिकारी ये बोलते हुए पाए गए हैं कि आपके इतने नंबर घट रहे हैं, आप इतने पैसे लेके यहाँ आ जाओ और आप मेरिट में आ जाओगे। तो सर हम ये चाहते हैं, जो हमारी तीन चार मांग है कि जो अभी जो सिस्टम है एसएससी का उसकी पूरी जाँच कराई जाए, उस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड हो और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, क्योंकि हम गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में नहीं चाहते और टाइम बाउंड चाहते हैं उसको। और दूसरी चीज, अगर सिस्टम में कमी है तो पूरे सिस्टम को बदला जाए, एसएससी की एक साइबर टीम बनाई जाए जो हर एग्जाम की मॉनिटरिंग करे, और जो एसएससी एक महीने तक कुंभ के मेले की तरह एग्जाम लेती है उसके बाद कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करती, और एक एक सेंटर पे जो साइबर कैफे हैं उन पे सेंटर दिए हुए हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप खुद सोचिए सर, जो साइबर कैफे वाले 35 मिनट से 36 मिनट होते, 15 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं नेट रिचार्ज के, क्या वो एक एक महीने एग्जाम कराएंगे और कोई उनको 2 लाख रुपये का लालच देगा तो क्या वो बिकेंगे नहीं? ये क्या पॉसिबल नहीं है? ये बिल्कुल पॉसिबल है सर, दांतलेबाजी हो रही है। एमटीएस में आप देख लो 137 नंबर कट ऑफ आउट ऑफ 150। सर ये कैसे पॉसिबल है? 137 नंबर लाने के लिए आपको 1/4 नेगेटिव भी है, ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद भी 23,000 सिलेक्शन सर। जिस तरह से आप देख रहे हैं जनमानस राजस्थान के फेसबुक लाइव के द्वारा कि अभी हम जयपुर के ज्योतिनगर तिराहे पर मौजूद है और यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जो सरकारी घोटाले जिस तरह से शिक्षा के अंदर हो रहे हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं है, इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग यहाँ जमा है। अभी हम और छात्रों से बात करेंगे जो इस मांग के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस मांग के साथ आए कि ये जो घोटाले हैं ये खत्म हो और जो छात्रों की जो संघर्ष है पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके, उसको सफलता मिल सके। जी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आसिम खुराना साहब से उन्होंने बात की तो वो सरासर नकार रहे कि कुछ नहीं हुआ, जैसे धांधली के नाम पे कुछ नहीं है। आप हम यूपीएससी बोर्ड पे कभी कोई क्वेश्चन उठाया? सवाल कब उठते? जब कुछ ना कुछ होगा तभी तो सवाल उठेंगे ना। एसएससी बोर्ड पे ही सवाल क्यों उठ रहे? एसएससी बोर्ड पे सवाल उठ रहे, यूपीएससी पे कभी कोई सवाल नहीं उठ रहा। आपका सीडीएस होता है, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में ऑफलाइन होते हैं, आप ऑफलाइन कंडक्ट करवाओ। जब यदि आपसे नहीं हो रहा है, 60-60 पेपर जब हो रहे और बच्चों के नंबर कम आ रहे, कोई एक पेपर से ही सारे बच्चे, मतलब कोई सी शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं आपके, तो मतलब नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे बहुत ही जरूरी है, इतनी लंबी वो होने के बावजूद भी। और ऑफलाइन आप